विद्या का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की हम बात करते हैं तो पुराना इतिहास अगर उठाकर बात करें तो लोगों का कहना है कि मानोरा जगदीशपुरी मानोरा में लगभग 187 वर्ष पूर्व से रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कम से कम 5 लाख लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और रथारूढ़ भगवान के जगदीश स्वामी जी के दर्शन करते हैं। इतिहास में बताया जाता है कि मानोरा के तरफदार मानकचंद्र द्वारा उड़ीसा पिंड भरकर उड़ीसा गए हुए थे और उनको रास्ते में ही भगवान ने दर्शन लिए और उन्होंने भगवान ने तरफदार से माँ वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर मानकचंद्र ने उनसे निवेदन किया कि आप प्रतिवर्ष ग्राम मानोरा पधारेंगे और लोगों को अपने दर्शन देंगे। उसी वर्ष से लगातार यहाँ पर जगदीश स्वामी जी का आगमन होता है और रथ पर विराजमान होकर भगवान पूरे ग्राम का भ्रमण करते हैं, जिसमें क्षेत्र से पिंड भरकर अपने वाहनों से, दोपहिया वाहनों से एवं पैदल चलकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मानोरा पधारते थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने रथ यात्रा को विराम कर दिया है, इस पर अभी रोक लगा दी कि रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जिससे रथ यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं में के मन में नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रशासन एक चुनिंदा कुछ लोगों के साथ ऐसी व्यवस्था करे जिससे रथ यात्रा निकाली जा सके। सभी दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का इस आयोजन को लेकर ये मानना है कि ये 187 वर्ष पूर्व से रथ यात्रा निकाली जा रही है, अगर इसको बीच में ऐसे विराम किया जाएगा तो इसकी जो पुण्य गाथा है जो 187 वर्षों से लगातार चली आ रही है ये कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगी। यात्रा 187 वर्ष पूर्व से निकाली जा रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसका जगदीश स्वामी जी का क्या इतिहास रहा कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं, ऐसा क्या लोगों का यहाँ से क्या अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है जिस कारण लोग इतनी मात्रा में यहाँ दर्शन करने आते थे। यहाँ के जो तरफदार साहब थे यहाँ से साष्टांग दंडवत करते हुए उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए, वहाँ से भगवान यहाँ पर लाए गए और यहाँ की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई और जो सब उड़ीसा जगन्नाथपुरी में मनाते हैं वो यहाँ मनाते हैं और जो भी दर्शनार्थी पिंड भरते हुए आते हैं वैसे पैदल भी आते हैं, उनकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती हैं, इस वजह से जनता जो है हर प्रकार से आती है, पैदल भी आती है, साधन वाहन से आती है, पिंड भरती हुई आती है, इनसे आस्था ज़्यादा हो गई। और इस बार जो प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण जो रथ यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया है उस बारे में आपका क्या मानना है कि ये सही है कि रथ यात्रा ना निकाली जाए? इसमें ये हुआ कि जो सनातन धर्म की परंपरा चली आ रही थी उसमें मतलब रुक गई, वो इससे सनातन धर्म में ठेस पहुँचती है, ये रथ यात्रा मेला ना लगना, रथ यात्रा ना निकलना सनातन धर्म पर ठेस पहुँचती है। और मैं हाँ। प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि ये हो जाए, सनातन धर्म पर और हिंदू धर्म पर ठेस ना पहुँचे। में जो जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली जाती थी इस बार प्रशासन के आदेश अनुसार रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका ट्रस्ट का क्या निर्णय हुआ है? मैं भगवान सिंह रघुवंशी जगदीश मंदिर ट्रस्ट का वर्तमान अध्यक्ष। देश में कोरोना की महामारी को देखते हुए प्रशासन और हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि देश की स्थिति बहुत खराब है और गाँव में फैलने वाला है,
उस कंडीशन को देखते हुए गांव को बचाने के हिसाब से और जनता के हित के देखते हुए ये प्रशासन ने और कमेटी ने निर्णय लिया कि अगर पुरी में रथ यात्रा होती है तो अपन उसमें विचार करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल ही मालूम पड़ा है, पेपर में आया है कि जगदीशपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जगदीशपुरी में जब रथ यात्रा हेड ऑफिस में रथ यात्रा रुक रही है तो उसके देखते हुए मजबूरी में हम तो शाखाएँ हैं, पुरी की शाखाएँ पूरे देश में फैली हुई हैं, उसको देखते हुए मजबूरी में जनहित को देखते हुए रथ यात्रा कैंसिल करने का निर्णय लिया है कि जनता की बचाव ही भगवान का सबसे बड़ा उत्सव। फिर भी देखा जा रहा है कि लोग फिर भी पिंड भरते हुए यहाँ पर पधार रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कोई व्यवस्था है अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में व्यवस्था तो शासन की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ साफ सफाई और पुताई ये काम की तैयारियाँ चल रही हैं। एट ए टाइम तक भी अगर प्रशासन हमको 10-11 लोगों की भी परमिशन देता है तो हम सूक्ष्म में भी रथ यात्रा निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रशासन हमारा सहयोग कर दे। बशर्ते अब रथ यात्रा नहीं हो रही तो श्रद्धालु जो पिंड भरते हुए आ रहे हैं और आस्था है साल भर से अपना मन में सोच संकल्प ले लेते हैं तो दर्शन तो करा रहे हैं, भगवान के दर्शन होंगे और अपनी डिस्टेंस दूरी बना के हमने मंदिर में चक्र भी लगा रहे हैं कि भूमि की दूरी से अपने दर्शन करें और अपना बचाव करें।